गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो मेरा नाम दीप्ति है, मैं आई हूँ पेट शॉप पर। ये मेरा सेकंड पार्ट है पेट शॉप का। मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है क्योंकि लोग मुझे काफ़ी टाइम से अप्रोच कर रहे थे कि मैडम शॉप पर जाके दोबारा पेट्स दिखाओ, कौन कौन से न्यू पेट्स आए हैं और क्या रेंज है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ आज आपको एक ऐसी चीज़ देखने को मिलेगी ना जो आपने कभी पहले पेट शॉप पर नहीं देखी होगी। इनफैक्ट मैंने भी नहीं देखी थी। सो लेट स्टार्ट द वीडियो, कम। ओ माय गॉड, कितनी प्यारी सी क्यूटी प्यूटी कैट है ये, और मुझे देख के चलना शुरू हो गई। कितनी क्यूट है यार ये, ब्लैक कलर की एकदम। सो रही थी आराम से भाई। शॉप पर आई हूँ और ये भैया हैं जिनकी शॉप है। पहले तो हमारे व्यूअर्स को आप नाम बताइए आपका। मेरा नाम शुभम है गाइस, क्या हाल है आप लोगों के। और ये मेरा सेकंड पार्ट है सेम शॉप का। बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी, मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है ये, तो मैं भैया का बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप मुझे डॉग्स बताइए, ब्रीड बताइए और उनके प्राइस भी बताइए। ठीक है, तो ये आपको मैं सबसे पहले दिखाना चाहूँगा। अभी लैब्राडोर पपीज अवेलेबल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें दो क्वालिटीज अभी हमने दिखाई हुई है शॉप पे हमारी। ये आप देखिए काफ़ी एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी में अवेलेबल है, और ये है नॉर्मल क्वालिटी का लैब्राडोर। तो आप इनकी बेसिकली इनकी क्वालिटी आप देख सकते हैं। एक बार नीचे छोड़ दो, आप नीचे एक बार कैमरा को पॉइंट आउट करके आप देख सकते हैं इनकी क्वालिटी। आप देख सकते हैं कि कितना ये हैवी है, एकदम इसकी शॉर्ट टेल है। इसकी क्वालिटी आप देखिए लैब्राडोर पपी की। बाकी ये है नॉर्मल लैब्राडोर। तो बेसिकली लोग पूछते हैं कि जैसे मतलब ये हैवी है, ये वीडियो आप कवर कर रहे हैं बहुत अच्छा भाग रहा है। तो लोग पूछते हैं कि ये मतलब वीक है क्या, ये मिक्स ब्रीड है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सारे 100% जेन्युइन ब्रीड्स होती है, क्वालिटी में डिफरेंसेस आते हैं। तो आप हमारे स्टोर पे आएंगे तो आपको डेफिनेटली क्वालिटी डिफरेंसेस भी दिखाएंगे आपको। फॉर एन एग्जांपल क्वालिटी डिफरेंसेस के लिए आपको दिखाया भी जाएगा यहाँ पर। एंड दिस वन, ये कौन सी ब्रीड है? ये है फ्रेंच बुलडॉग। फ्रेंच बुलडॉग जी, बाइट तो नहीं करेगा? नहीं, कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। ये इसके साथ में है बीगल। हाँ, ये बीगल है, ये है फ्रेंच बुलडॉग। बहुत अच्छा लग रहा है। और तो इसका क्या प्राइस होगा? फ्रेंच बुलडॉग का होता है 25,000 के अराउंड, बीगल का 18-20,000 के अराउंड। बाकी ये सब प्राइस क्वालिटी पे डिपेंड करते हैं। तो आप जैसी क्वालिटी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा जी। और ये लैब्रा किस रेंज में है? ये वाला जो लैब्रा, ये 15,000 की रेंज में, ये वाला 10,000 की रेंज में वाला। अच्छा, तो आपके पास डॉग्स के अलावा और क्या अवेलेबल है? वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, कैट्स भी हमारे पास अवेलेबल है और डॉग ब्रीड्स हमारे पास सारी अवेलेबल होती है। मगर सारी, इतनी सारी ब्रीड्स हैं, 200 से ऊपर ब्रीड्स हैं, तो सारी हम शॉप पर नहीं रख सकते, तो ऑर्डर पे भी आ सकती है। तो ऑन डिमांड अगर कोई चाहे तो कितनी देर में आपको लाइक? वैसे तो एक दो दिन में हो जाती है अवेलेबल, कोई बहुत बड़ा। और ये बहुत प्यारी सी, बहुत क्यूट सी कैट है, पर्शियन किटन है। अच्छा, डबल फर में। डबल फर में, ओके, बहुत प्यारा सी, बहुत क्यूट सी लग रही है ये। और ये किस रेंज में होती है? ये इसकी स्टार्टिंग हो जाती है इनकी 12,000 से। बाकी जैसी आप क्वालिटी लेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सो डॉग्स के अलावा और क्या क्या अवेलेबल है? आपने मुझे बताया था कि कुछ अलग आया आपके शॉप पर। हमारे पास जैसे अभी रेप्टाइल्स एंड रोडेंट्स में काफ़ी सुपीरियर क्वालिटी अवेलेबल है। अच्छा जी, तो अभी हम आपको दिखाते हैं फिर वीडियो में। आपको हम दिखाने वाले हैं, एक तो बॉल पाइथन स्नेक दिखा देंगे और इगुआना और हैमस्टर्स दिखा रहे हैं। स्नेक मैंने पहली बार देखा है डॉग शॉप पे, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आप भैया जल्दी से दिखाओ, एक्चुअली मैं तो पकड़ नहीं सकती। इन्हें वैसे कम्प्लीटली सेफ है वो। अच्छा, और अभी हमारे पास शुगर ग्लाइडर भी आई हुई है, काफ़ी अभी एग्जॉटिक पेट्स अभी अवेलेबल है। तो भैया आपने मुझे दो लैब्रा दिखाए है ना, और अगर एक 10,000 का, एक 15,000 का है, तो दोनों की क्वालिटी में क्या डिफरेंस है? अगर किसी को पहचानना है वो कैसे पहचानेगा कस्टमर? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी कस्टमर्स भी आके हमसे पूछते हैं, फ़ोन पर भी काफ़ी लोग पूछते हैं। तो मैं आपको भी दिखाता हूँ प्रैक्टिकली, एक बार बिजली पे लाना।
अभी आपको मैं लाइव कुछ एक ऐसे डिफरेंसेस दिखा रहा हूँ जो क्वालिटी में, जो ज़्यादातर आपको अदर पेट शॉप्स में नहीं देखने को मिलेगा, क्वालिटी डिफरेंसेस मैं आपको दिखाता हूँ। और पॉज देखिए कितने ब्रॉड है एज़ कम्पेयर फ्रॉम दिस वन। ऐसा नहीं है मैं इस पपी की इंसल्ट कर रहा हूँ या कुछ, मैं चाह रहा हूँ कि लोग ये भी लेते हैं, लोग ये भी लेते हैं, ये इट्स ऑल अबाउट बजट, आपका कितना बजट है। ये भी एकदम प्योर ब्रीड है, इसके मदर फादर एकदम प्योर है, इसके भी मदर फादर एकदम प्योर ब्रीड है, बस क्वालिटी का डिफरेंस है। आप साइड से भी देखेंगे इसकी एकदम टेल वगैरह, इसकी शॉर्ट टेल, इसका मतलब इसमें गोल्डन कलर भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं है ब्लैक में ही आते हैं। बाकी ये भी ओरिजिनल ही है, बस क्वालिटी में डिफरेंस है। ये थोड़ा सा मतलब कह सकते हो बड़ा हो गया, दुबला पतला सा, मतलब पॉज इसके इतने ब्रॉड नहीं होंगे। कई लोग सोचते हैं कि इसको ले लेते हैं मगर उसको फिर खिला पिला के करते, मगर आप खिला पिला के बस इसका पेट लटकाओगे, मगर इसका बोन स्ट्रक्चर आप डेवलप नहीं कर सकते। ओके, तो ये क्वालिटी में डिफरेंस। तो ये चीज़ें हमें लेते हुए बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ेगी कि डॉग को हमें किस तरीके से लेना है, क्वालिटी कैसी क्वालिटी। आपको ये ज़रूर क्रॉस चेक भी कराना चाहिए, हम अपने कस्टमर्स को कहते हैं आप ले जाके किसी भी क्रॉस चेक किसी ब्रीडर से या किसी वेटनरी से क्रॉस चेक कराइए, ताकि आपको एक सेटिस्फेक्शन मिले। क्योंकि एक सेलर तो हमेशा अपने प्रोडक्ट की तारीफ ही करेगा कि यार मेरा बच्चा सबसे अच्छा है, मगर आपको ले जाके चेक कराना चाहिए, क्रॉस वेरिफिकेशन इज अ मस्ट प्रोसीजर, आपको करना चाहिए। तो भाई ये काम आने वाली चीज़ें हैं, आप ज़रूर ध्यान रखना इन चीज़ों का कोई भी पेट परचेज करते समय। तो ये शॉप पर ना स्नेक है, अब भैया बताएंगे मुझे ये कौन सी क्या है, तो आप मेरा फ़ोन पकड़ो एक मिनट और मैं इसको कोशिश करती हूँ हाथ में लेने की। मैं फर्स्ट टाइम ले रही हूँ स्नेक, मुझे थोड़ा तो डर लगेगा बट मैं बहुत प्यार से इसको होल्ड कर रही हूँ, और इसकी टंग जो है ना बहुत लंबी है, और ये निकाल के बस मुझे ये अच्छे से घूर रहा है, ये काटता तो नहीं है ना? नहीं, नहीं, नहीं। बहुत लाइट वेट है। और क्या नाम है इसकी, कौन सी ब्रीड है ये? बॉल पाइथन स्नेक है, टाइप ऑफ अजगर टाइप ऑफ? नहीं नहीं नहीं, पाइथन ब्रीड में है। अच्छा। एकदम सेफ है, इससे कोई डरने की जरूरत नहीं है, एकदम बच्चे की तरह है। तो इसके टीथ मतलब होते हैं, बाइट नहीं, नहीं करता? नहीं नहीं, बाइट नहीं करता बिल्कुल। तो इसमें कोई भी पॉइजन नहीं होता है। ये जो है ये 25,000 के रेंज में। ओके, और जब ये बड़ा हो जाता है तो कितने महीने बाद इसकी मतलब बड़ा होगा? और मतलब इनका लाइफ स्पैन तो 40-50 साल तक का भी हो जाता है। अच्छा, वैसे ये काफी इनका साइज आता है, 4-5 फीट तक भी जा सकता है। ओके जी, मैंने पकड़ लिया इसको, पहली बार पकड़ा है मैंने, ठीक तरीके से पकड़ा है। एकदम सही था, वैसे तो आप उसे कैसे भी पकड़ लो वो अपने आप को खुद ही एडजस्ट कर लेता। चलिए थैंक यू भैया जी। और तो इसमें भी एक ही मतलब एक ही टाइप का स्नेक अभी होगा? नहीं, अभी तो अभी यही बॉल पाइथन ही है, वैसे इसमें काफी वैरायटी आती है इसमें भी। अच्छा, कलर्स आते हैं अलग अलग। ये देखो, ये देखो दीपक कैसे चल रहा है, इधर देखो, देखो खुद को एडजस्ट कर रहा है आराम। बट है बड़ा क्यूट सा यार, ये भी बहुत इनोसेंट है, ये भी है ना, प्यारा सा पेट की तरह है, ये भी एक प्यार मांगता है, ये भी कोई ऐसा कोई इनसे डरने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी एक स्नेक के लिए एक फियर होता है, तो पहली बार मैंने इसको हाथ में पकड़ के वो फियर आज निकाल दिया। ये ज्यादा डर रहा है अभी हमसे। हाँ बिल्कुल, इंसानों से ज्यादा डरते हैं जी। बहुत क्यूट सा, और इसकी स्किन बहुत सॉफ्ट है। कुछ नहीं इनके लिए, कुछ नहीं, ये वाली जो ब्रीड है कम्प्लीटली लीगल है, इनके लिए कोई लाइसेंस नहीं। ओके चलो। बहुत क्यूट सा मुझे कुछ दिख रहा है, पर इसका नाम मुझे नहीं पता, क्या नाम है भैया इसका? इसका नाम है शुगर ग्लाइडर है, इसकी ब्रीड का नाम। ओके, और ये क्या खा क्या रहे हैं? ये मिल्क, ये सेरेलेक खा रहे हैं, सेरेलेक, सेरेलेक खा रहे हैं, बच्चों वाला फूड। ओके, सेरेलेक तो काफ़ी फ्रेंडली होते हैं, मतलब ये काफ़ी इंटरेक्टिव होते हैं, ये ग्लाइड करते हैं, बेसिकली ये ग्लाइड करते हैं, शुगर ग्लाइडर इनका नाम इसलिए है। ओके, क्योंकि ग्लाइड करते हैं। तो ये कितने मंथ्स के हैं? अब ये हो गए हैं 4 मंथ्स के, अप्रॉक्सीमेटली 4 मंथ्स के हैं। और ये किस रेंज में होते हैं? ये इनका जो पेयर है ये पड़ता है आपको 25,000 का। ओके, बहुत कॉस्टली होता है इनका पेयर? जी जी, इम्पोर्टेड होती है। क्यूट से माउस टाइप के लग रहे हैं, बट इनका नाम एक्चुअली माउस नहीं होता, क्या होते हैं भैया ये? ये भी हमारे पास हैमस्टर्स अवेलेबल हैं, ये काफ़ी रेयर ब्रीड है, सेरेन हैमस्टर्स हैं, आप इन पे जूम इन करके देख सकते हैं, काफ़ी फ्लफी होते हैं और ये काफ़ी इंट्रैक्टिव होते हैं, काफ़ी फ्रेंडली होते हैं। Okay. बस ये है, आपको इनको फर्स्ट जब आपने एकदम पहली बार छुओगे तो शायद ये काट भी सकते हैं, मगर आपको उनके साथ एकदम फ्रेंडशिप करनी पड़ती है, ज़्यादा लोगों को देख के भी थोड़े डरे हुए हैं, तो अभी काट भी सकते हैं, मगर आप इनको जैसे फ्रेंडली बचपन से पालते हो, जैसे अभी इस केस में आप अभी लेके जाते हो, अपने हाथों से खाना देते हो,
बेडिंग चेंज करते हो तो ये आपको कुछ नहीं कहेंगे। तो रहना तो इनको केज में ही पड़ेगा ना, बाहर तो नहीं रह सकते। नहीं, वैसे बाहर भी रह सकते हैं, बाहर भी रखते हैं। तो ये छोटे होंगे कितने मंथ्स के होंगे ये? अपना भाई बहुत देर लगी तुम्हें, ये मैडम को लेट हो गया, जल्दी बुलाओ कह रहे मम्मी, जल्दी बुला रहे हैं। ये कितने बड़े हैं, कितने दिन के हैं, मतलब कितने मंथ्स के हो गए? टू मंथ्स के। अच्छा, बहुत क्यूट से लग रहे हैं। इनमें भी कलर्स आते हैं क्या? जी जी, इनमें कलर्स आते हैं, इनमें ब्राउन एंड वाइट आते हैं, इनमें वाइट आते हैं, इनमें मतलब ब्लैकिश भी आते हैं, ब्राउनिश भी आपने देख लिया है यहाँ पे। और ये किस रेंज में होते हैं ये? बेडिंग चेंज करना उसके लिए। हाँ जी, किस रेंज में होते हैं ये? ये इनका पेयर होता है, इसका 4000 तक का पेयर होता है। जी, बहुत क्यूट लग रहे हैं। चलो भैया, और बताओ आपकी शॉप पे फटाफट जल्दी जल्दी क्या क्या है वो बाहर ले लेते हैं। ठीक है, बस इसका इतना ही बोल रहे हैं। गाइज, अब भैया आपको बताएंगे कि उनके शॉप पर और क्या क्या है, क्या क्या है, मतलब पेट्स के लिए कौन कौन से फूड होते हैं और क्या क्या अवेलेबल होता है, और टॉयज भी हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मुझे नहीं पता, वो भैया आपको बताएंगे। सो भैया आप बताओ कि क्या क्या होता है। देखिए, बेसिकली हमारे पास पेट्स और सारे उनके पेट रिलेटेड सारी एसेसरी सब मिल जाता है, टॉयज से लेकर उनके पट्टा सेट, उनका फूड, सारी ब्रांड्स के जो पॉपुलर फूड्स हैं इनके डॉग फूड्स, वो सब मिल जाते हैं। कुछ एक फूड जैसे मंगवाने होते हैं वो ऑर्डर पे आ जाते हैं, कुछ एक पेट्स जैसे जो एग्जॉटिक काफ़ी रेयर होते हैं जो जल्दी नहीं लेते कोई, अब जैसे स्नेक है जल्दी कोई नहीं लेता, तो ये तो हमने जैसे मंगा के रखा हुआ है। वैसे और भी इनमें ब्रीड्स आती है, बॉल पाइथन्स में काफ़ी सारी आती है, वो भी मंगवा देते हैं। बाकी आपको डॉग ब्रीड से लेके मतलब रोडेंट्स, रेप्टाइल्स, सारी ब्रीड्स आपको मिल जाएगी जो लीगल है उनमें। जी, ऑन डिमांड भी अवेलेबल हो सकता जी, है जी। Okay. कुछ कस्टमर को डिस्काउंट वगैरह भी जी जी जरूर देंगे। है आप मैम का ब्लॉग देख के आएंगे तो ऑब्वियसली आपको काफी अच्छा डिस्काउंट देंगे हम। सो चलो, मेरे ब्लॉग से एक फायदा आपको हो जाएगा कि अगर आप लोग आते हैं तो भैया डिस्काउंट देंगे, इतना रिगार्ड रखा जाएगा। और आपकी और ब्रांचेस भी हैं? जी जी, हमारी एक पंजाबी बाग में और एक कीर्ति नगर में। अच्छा, कीर्ति नगर में, जहाँ का पहले मैंने ब्लॉग बनाया था। सो अभी मैं वहाँ भी जाने वाली हूँ। वहाँ पे अभी काफी रेयर ब्रीड में आया हुआ है इगुआना, काफी बड़े साइज में आया हुआ है। किस साइज में होगा? मतलब उसका साइज काफी बड़ा है, आप ये एक सीक्रेट है, आप वहाँ पे जाके देखो। वही जाके पता चलेगा, मतलब आपको पकड़ना है उसे हाथों में, तब आना चाहिए मजा। आप पकड़ोगे तभी वो फिर वीडियो में अच्छा लगेगा। सो अभी वहाँ हम जाएंगे। बाकी और कुछ ऐसा स्पेशल है जो आप कुछ बताना चाहते हो? बस यही है, आपसे यही कहना चाहेंगे कि बस आप पेट वही लीजिए जो आप जिनकी आप केयर कर सकते हैं। जैसे कई लोग जोश जोश में आजकल जैसे हमसे काफ़ी फ़ोन आते हैं हमारे पास, इगुआना चाहिए, बॉल पाइथन चाहिए, तो इनके बारे में पहले आप रिसर्च करो, हमारे साथ बैठो, उनकी इन्फॉर्मेशन पूरी गेन करो, कैसे इनकी केयर होती है, कैसे इनको इन्वायरमेंट दिया जाता है। कुछ जैसे हमारे स्टोर में आप देखोगे एसी नहीं होते, क्योंकि ये जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं इनको एसी में रखोगे तो ये मर जाएंगे, मतलब ये काफ़ी मतलब वीक हो जाएंगे, तो इसके लिए हम अलग रूम बना के रखते हैं। तो इनको मतलब कुछ एक चीज़ें ऐसी लोग ले जाते हैं एसी में रख देते हैं, इनको प्रॉपर एक इनका टेम्परमेंट बनाना होता है, टेम्परेचर एक देना होता है प्रॉपर। तो ये सब आप इन्फॉर्मेशन लो अच्छे से, आप हमारी किसी भी ब्रांच पे आओगे, पूरी टीम होगी हमारी, आपको पूरा गाइडेंस मिलेगी, तो आप उसके बाद एक डिसीजन लो कि आप उसकी केयर कर सकते हैं तभी लो। क्योंकि क्या होता है आजकल कि मतलब लोग ले जाते हैं, जैसे कई बार बच्चे भी आ जाते हैं ले जाते हैं, मगर फिर अच्छा नहीं लगता हमें बाद में उनकी तरफ से आते हैं कि जी केयर नहीं कर पाया, उसकी डेथ हो गई, या ऐसा सुन के अच्छा नहीं लगता। अच्छा काम होगा, तो आप उनकी इन्फॉर्मेशन पूरी अच्छे से गेन करें, अगर आप कर सकते हैं तभी लेके जाइए। क्योंकि ये कोई सामान नहीं है कि जो आपने फ़ोन है अच्छा नहीं और चला नहीं पा रहे तो रीसेल कर दिया, या इसको फ़ोन है अनमारी में डाल दिए, एक पेट है, एक लाइव आप लेके जा रहे हैं, तो उसकी अच्छी केयर देना आपका वो ज़रूरी है। और आप ले जा के हमसे जो भी आप हमसे पेट्स लेते हैं, आप ले जा के कहीं भी क्रॉस चेक कराना भी एक आपकी बनती है आपको, ताकि आपको सेटिस्फेक्शन ज़रूरी है। क्योंकि देखो, एक मैं फिर से मैं बोलना चाहूँगा, एक सेलर कभी अपने प्रोडक्ट की हमेशा वो उसकी अच्छी बातें बताएगा, बुरी बातें नहीं बताएगा, और वो कैसी क्वालिटी है ये सब बोलने में और सुनने में बहुत अच्छा लगता है, मगर जब आप रियलिटी आपको तभी पता चलेगी जब आप किसी थर्ड पर्सन से जो ना हमें जाने ना आपको जाने उससे आप पूछो। तो क्रॉस चेक कराना भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है आफ्टर गेटिंग अ पेट। तो यही मैं आपको कहना चाहूँगा, आप बस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और आगे आपको इगुआना वगैरह दिखाते हैं काफ़ी बड़े साइज। भैया ने मेरा काम कर दिया है, बस मुझे थोड़ा सा रूट और बता दीजिए कि अगर शॉप पे आना है तो मेट्रो से कौन से रूट से कैसे आएंगे? वैसे तो आप मूर्ति नगर मेट्रो पे उतर के आप यहाँ पे आने के लिए आपको करमपुरा में आप आ जाइए वहाँ पे, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर भी मिल जाएगा, आप उस पर कॉल करके आपको पूरी आपको गाइडेंस व्हाट्सएप पे आपको लोकेशन भेज देंगे। ठीक है,
ठीक है, आपकी कोई इंस्टा आईडी है तो आप वो भी बता सकते हैं। जी वो भी मैं बता दूंगा, मगर अभी हुआ क्या है रिसेंटली हमारे इंस्टा अकाउंट पे डिसेबल हो गया है। वो भी काफी पॉपुलर पेज हो गया था, पता नहीं कैसे मतलब उस वो डिसेबल हो गया है। तो अभी इंस्टा तो नहीं, फेसबुक हमारा एक्टिव है, यूट्यूब हमारा एक्टिव है। कोई नहीं है, मैं आपको ना इनका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, यूट्यूब चैनल का लिंक भी एंड फेसबुक भी। जी जी वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी इंक्लूडिंग द एड्रेस। एंड चलो अब मैं चलती हूँ, और कुछ भैया तो बस यही मैं आपको कहना चाहूँगा, आप आइए पेट से मिलिए। एक एक आपको मतलब सबसे बड़ी इनका जो फायदा होता है, डिप्रेशन दूर होता है आजकल की बिजी लाइफस्टाइल में, घर दुकान फिर ये सब, इनसे अच्छा आप एक पेट रखो तो आपको एक थोड़ा सा मेंटल रिलीफ मिलता है, हैप्पीनेस मिलती है। जी हैप्पीनेस मिलती है। तो ठीक है, सो गाइस मैं अब इनकी दूसरी वाली शॉप पे गुआना से मिलने जा रही हूँ। सो आप लोगों को अगर देखना है तो वीडियो को भी कंटिन्यू रखना पड़ेगा आपको, तो चलते हैं। सो गाइस मैं दूसरी वाली शॉप पर भी आ गई हूँ और यहाँ पर मुझे गुआना का साइज ना बहुत बड़ा लग रहा है, तो मुझे लग नहीं रहा कि अब की बार मैं हाथ में उठा पाऊंगी। तो भैया ये बाइक तो नहीं करेगा क्योंकि लास्ट वाले गुआना का बहुत बड़ा है ये साइज में। बाइक नहीं करते हैं, बहुत फ्रेंडली होते हैं। बहुत बड़ा लग रहा है। कितना मंथ्स का है या इयर्स का है? ये डेढ़ साल का है। तो इसके पंजे वंजे तो नहीं लग रहे? मर दिया गुस्से में इस टाइम वो थोड़ा, तो उसको थोड़ा पैम्पर करके फिर बाहर निकाला जाएगा। इसकी जो टेल है ना वो भी काफी लंबी है, और भी लंबी होएगी। कितनी एज होती है इसकी? इसकी एज होती है 50 टू 60 इयर्स के अराउंड। ओह माय गॉड, इसकी टेल भी काफी तीखी तीखी सी है, कांटेदार एकदम लग रहा है ये। ये यहाँ ये ऐसा लग रहा है कि ये हार्ड पोर्शन है बट ये काफी सॉफ्ट पोर्शन है। हाँ सॉफ्ट है ये, है ना। और ये कितना क्यूट सा लग रहा है, लाइक यहाँ से देखो उसको कितना अच्छा लग रहा है, रिलैक्स, उसने आईज क्लोज कर लिया, उसको अच्छा लग रहा है। तो जब भी आप कोई भी पेट लो, कोई भी एनिमल लो, उनको बहुत पैम्पर करके रखना चाहिए क्योंकि उनको ह्यूमन से सबसे ज़्यादा फियर होता है। अब उसने एकदम रिलैक्स मोड पे चला गया है, ये देखो आईज क्लोज कर लिया, उसको बहुत अच्छा लग रहा है। बस डन है ना गाइस, मेरा सेकंड पार्ट डन हुआ। ये वही विकास पेट शॉप की सेकंड ब्रांच है जहाँ मैंने अपना फर्स्ट पार्ट बनाया था और जिस पर बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी, उसी के बाद मैंने ये सेकंड पार्ट बनाया। सो आप इनकी दोनों ब्रांच पे जा सकते हो, दोनों ही ब्रांच बिल्कुल नियर बाय हैं। और ये वाली जो ब्रांच है मेट्रो पिलर के 330 नंबर के मेट्रो पिलर के पास पड़ती है। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कुछ पूछना हो तो मुझे मेरे इंस्टा आईडी पे पूछ लेना, मेरी इंस्टा आईडी है ऑफिशियल दीप्ति। और फेसबुक लिंक मैं अपना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, शॉप के एड्रेस भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर शॉप से रिलेटेड या किसी पेट से रिलेटेड कुछ आपको पूछना होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। तो अब मैं चलती हूँ, ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया है। सो गुड नाइट, लव यू गाइस, बाय बाय।